हमारी लोक कलाएं लोक कलाकारों के जीवन में ऊर्जा भरती हैं, तो वहीं हमारे तीज त्यौहार, हमारे पर्व, हमारे नीरस और बेरंग जीवन में ऊर्जा की लहर ले आते हैं। एक ऐसा ही उत्सव है दुर्गा उत्सव, जिसकी लहर केवल भारत में ही नहीं दुनिया भर में साधकों को प्रेरित करती है, उपासकों को प्रेरित करती है। बांग्लादेश के शहर ढाका में इन दिनों दुर्गा पूजा की तैयारियां जोरों पर हैं और कलाकार अपनी कल्पना के जरिए माँ दुर्गा की अनुपम कृतियां तैयार कर रहे हैं। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दुर्गा पूजा शक्ति की आराधना का पर्व, वह वक्त आने को है जब सारी प्रकृति शक्ति की उपासना में लीन होगी। धरती आसमान रक्तिम आभा से नहा उठेंगे। माँ अपने भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए अपने सुंदरतम रूप में धरती पर पधारेंगी। माँ की इस अलौकिक छवि को गढ़ने में वो कलाकार रात दिन एक कर रहे हैं, जिनके लिए दुर्गा पूजा नई ऊर्जा और नया रोजगार लेकर आता है। वे बड़े धैर्य, प्रेम और श्रद्धा के साथ माँ की अनुपम छवि गढ़ते हैं। और बंगाल की माटी में तो दुर्गा उत्सव के रंग और भी उत्साह के साथ खिलते हैं। भारत, बांग्लादेश और शक्ति की आराधना करने वाले देशों के सांस्कृतिक कैलेंडर में दुर्गा पूजा का खास महत्व है। ढाका में 200 से भी अधिक जगहों पर देवी के मंडप सजते हैं, जिनमें खूब धूमधाम रहती है। ये कलाकार मानते हैं कि दुर्गा माँ की मूर्ति का निर्माण केवल उनके रोजगार के लिए जरूरी नहीं है, बल्कि ये वो परंपरा है जिसे जिंदा रखना, संस्कृति को जीवित रखने के लिए बेहद जरूरी है। कि मूर्तियां बनाना उनका खानदानी काम रहा है। वे कहते हैं, मैंने इस साल अब तक स्थायी मंदिरों के लिए 4 सेट मूर्तियां बनाकर भेजी हैं, 5-6 और भेजने हैं। वे कहते हैं, लोग अब मूर्तियों पर ज्यादा खर्च नहीं करना चाहते। दिनों दिन हमारा काम कम होता जा रहा है। धार्मिक रीति रिवाज और उत्सव ही तो जीवन में रंग भरते हैं और सामाजिक ताने बाने को सतरंगी छटा प्रदान करते हैं। और दुर्गा पूजा तो शक्ति और श्रद्धा की आराधना का पर्व है, जिसमें सारी सृष्टि एक सकारात्मक ऊर्जा से भर जाती है। रंग तरंग के लिए ढाका से राजेश झा की रिपोर्ट, DD News।